स्थल जो कि नालंदा से 3 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। ये भारत के बड़े शहर जैसे कि पटना, सारनाथ, वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली, बौद्ध गया से राजमार्ग एवं रेल मार्ग से परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि आप राजमार्ग की जगह पर रेल मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते हो तब पर भी आप इस स्थान पर बिल्कुल पहुंच सकते हो। साल पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यदि आप एक प्राकृतिक प्रेमी हैं, तो रास्ते में बनी ये क्यारियां सरसों की लहलहाते खेत एवं ग्रामीण भारतीय की अनोखी झलकियां आपको मनमोह कर सकती है। यहां पर आने का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान कुंडलपुर मंदिर, यदि आप इस जगह को सुनिश्चित करना चाहते हो तो पुष्करणी लेक और पांडव लेक इस जगह को सुनिश्चित करते हैं। आसपास की प्राकृतिक अनुभव ये आपके मन को बिल्कुल ही आकर्षित करेगी। सबसे पहले हम इस जगह को लोकेट करने के लिए और इस जगह की मंदिर की ऊंचाई एवं इसकी जो लंबाई है इसको हम अपने पेंसिल के द्वारा नाप लेते हैं। माप करने के बाद इसको अंकित कर देते हैं कि आखिरकार हमें कितनी जगह, कितनी मूर्तियां, कितनी स्ट्रक्चर्स को बनाने हैं। आप हमें बाकी सारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ इसकी पोस्ट देख सकते हैं। देखो, कोई भी मॉन्यूमेंट हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसे बनाने में आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको धीरे धीरे करने है और याद रखिए कि आपको जब भी आप किसी चीज़ की आउटलाइन बना रहे हो तो आपको धीरे धीरे बनाना है और हल्के हाथों के साथ बनाना है। भगवान महावीर जब वो तपस्या कर रहे थे तो 22 साल की उन्होंने लंबी आयु इसी स्थान पर बिताया था। स्केचेस कंप्लीट हो जाती है तो आप इसके आउटलाइन बना लीजिए।
रंग श्वेत है तो मैं इसे 2:1 के अनुपात में कलर को यूज करूंगा, जिसमें 2 मेरे कलर और 1:1 मेरा ब्लैक कलर होगा। यदि आप इस स्थान पे आए हो तो आपको इस जगह पे क्या ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी, आप उसे रेट करके बताओ। आप कितने स्टार्स देना चाहते हो वो भी करके बताओ। आपके रेट और रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे बाकी टूरिस्ट के लिए। आप अपने अनुभव को जरूर और ज़रूर शेयर करो कमेंट्स में जाकर। आसमान की खूबसूरती को दिखाने के लिए मैंने यूज किया है हल्का सा नीला कलर। यदि आपको इस जगह की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।